सुल्ताना, मैं सबके सामने आपसे ये बात नहीं करना चाहती थी, पर ये बात करना जरूर चाहती थी। आप इस सगाई से खुश तो हैं ना? वैसे तो उसके बारे में आपसे कुछ छुपा नहीं है, पर अम्मी होने के नाते मेरा फर्ज है कि कुछ बातें मैं आपको बता दूं। वो इरादे का पक्का है, सच्चा है, बच्चे जैसा मासूम है और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक बार आपका हाथ थामेगा ना तो जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। क्या आप जिंदगी भर के लिए उसका हाथ थामेंगी? जी अम्मी। सोच लीजिए सुल्ताना, जिंदगी भर दिन में 10 बार बेटे की दुम और अजीब अजीब से गाने सुनने पड़ेंगे। हमें मंजूर है अलादीन और आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारना, हमें मंजूर है अम्मी, क्योंकि आपके जैसी अम्मी हमें कहीं नहीं मिल सकती। अच्छा, आप दोनों यहाँ पर गले मिल रहे हैं और मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं। माफ कर दे जीनी मीनी, गलती हो गई। अच्छा सुन सुल्ताना, तेरी भाभी को सजाने की जिम्मेदारी तेरी है, मुझे बहुत काम है, चलती हूँ। एक मिनट सुल्ताना, ये आपके लिए। रसगुल्ला? जीनी मिनी, अगर आज हमने रसगुल्ला खा लिया तो कल सगाई में हम रसगुल्ले जैसे लगेंगे। नहीं, आपने शायद ध्यान से देखा नहीं सुल्ताना, ये ऐसा वैसा रसगुल्ला नहीं है, ये भाईजान का आधा खाया हुआ रसगुल्ला है। कोई बात नहीं, आप नहीं खाएंगी तो मैं खा लूंगी। अब मुझे तो कल का इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा भाभी जान। हम रिव्यू बताए बहादुर, इस दुनिया में तो जादूगर कई है, पर जादूगर ने सिर्फ एक मलिका। हमारे पास वो ताकत थी जिससे हम इंसानों को जिन में तब्दील करते थे और उससे लोग डरते थे। पता है क्यों? क्योंकि कहते हैं जिन से बदतर जिंदगी और किसी की नहीं होती, किसी की नहीं। फूल, मोमबत्तियां, हिफाजत के इंतजाम, तल, हफ्तियां। अल, हफ्तियां, मीठा, नमकीन। वजीर गुल्लू, अगर आप ऐसे करेंगे तो ना उन्हें समझ में आएगा और ना उन्हें याद रहेगा। मैं क्या करूं चीनी मिनी, भाई मेरे भाई अलादीन की मंगनी जो है। अच्छा तो जिसे जो काम करना है पहले उसे लिख लेते हैं। कलम लाइए। कलम लाओ, कलम। उधर कागज। कागज हम बन जाते हैं। ये जिम्मेदारी मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, अच्छे से करना। आका जैसा सूरज, सुल्तान आका चांद सा मुखड़ा, हम बन जाए कागज का टुकड़ा। चाचा। चाचा। माना कि तुम लोग सगाई खुशी में पगला रहे हो, लेकिन कम से कम ये तो याद रखो कि अगर तुम लोग जादू के कुछ लम्हों बाद अपने असली हुलिये में नहीं आओगे तो हमेशा के लिए वही चीज बन जाओगे। सगाई का माहौल है, सगाई में इतने काम होते हैं। चाचा, अगर तुम वक्त पर अपना असली हुलिया लेना भूल जाते तो हम हमेशा के लिए कागज ही बने रह जाते। या अल्लाह, शुक्रिया आका। ध्यान दो भाई, मेरे भाई गुल्लू, सगाई मेरी है, मुंह लटकाने के दिन मेरे आने वाले, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो भाई मेरे भाई, मैं इन सब चीजों से गुजर चुका हूं। मेरी गुल्लू मुझे सचमुच में उल्लू बनाकर मायके चली गई, लेकिन खुशकिस्मती से वापस लौट कर ही नहीं आई। अच्छा मजाक बहुत हुआ, बहुत काम पड़ा है, मैं जिनू को भी तुम लोगों की मदद के लिए भेजता हूँ, ठीक है? अल्लाह ना करे
आका की खुशियों को कभी किसी की नजर लगे। एक बात बताएं, एक जिन्नात की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, पर आका के साथ कुछ मुश्किल नहीं लगता। सच्चा चा, अलादीन जैसे आका का जिन होना खुशकिस्मती की बात है। सिर्फ एक मामूली इंसान की वजह से आज हम इंसानों को जिन में तब्दील नहीं कर सकते। सिर्फ एक इंसान की वजह से हमारा जादू इंसानों को जिन भी बना सकता था, पत्थर भी। एक दिन हमारे वफादार गुलाब हसन ने हमारे साथ गद्दारी की। और धोखे से हमें आबे पत्थर पिला दिया। हम पत्थर की बुत बनने लगे, पर बुत बनते बनते भी हम हसन को नहीं छोड़ा। उस पर जादू करके उसे चिराग का जिन बना दिया। मैं वापस आऊंगी। एक वक्त था जब हम पूरी दुनिया के इंसानों को जिन बनाने की ताकत रखते थे, और इस वक्त हम सिर्फ एक इंसान को जिन बना सकते हैं, सिर्फ एक, और वो भी उस इंसान की वजह से। वो एक मामूली इंसान जो उस वक्त हमारी शैतानी खंजर को ढूंढता हुआ आया था, जिस वक्त हम उसे रोक नहीं सकते थे। दुनिया की किसी भी शमशीर से ज्यादा धारदार, दुनिया के हर खंजर से ज्यादा खतरनाक था हमारा शैतानी खंजर। वो इतना खतरनाक था कि उसके एक झटके से दुनिया से इंसानियत का नाम और निशान मिटा सकता था। उसकी मदद से हम इंसानों को जिन बनाने वाला शरबते बर्बादी बनाया करते थे। वो हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारा था। वो शैतानी खंजर आज भी हमारे पास होता, हम कब का अपने मकसद में कामयाब हो जाते, पर वो एक इंसान हमारे रास्ते में आ गया। बहादुर, तुम यही पूछ रहे हो ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सदियों तक हम बुत बन के खड़े रहे, और वो खंजर हर वक्त हमारे सामने था। हम उसे देखते रहे और यही सोचते रहे कि एक दिन हम आजाद होंगे, और फिर वो खंजर हमारे आंखों के सामने नहीं, हमारे हाथों में होगा, और हम फिर से उसकी मदद से शरबते बर्बादी बना पाएंगे। पर इससे पहले कि ऐसा हो, वो इंसान वहां पहुंच गया, वो खंजर लेके चला गया, और हम कुछ ना कर सके, क्योंकि हम बुत बन के खड़े थे सिर्फ उस जिन की वजह से।
सात साल की उम्र का था जब पहली बार उन्हें देखा था, देखते ही प्यार हो गया था। और वैसे भी अलादीन को जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। लगता है कि अब तुम ही हमारी दुनिया हो और तुम ही हमारा घर हो। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ, यही प्यार है। नकचड़ी, तुम मेरे दिल की धड़कन हो और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, दिल को धड़कन से अलग नहीं कर सकता। वैसे भी हमें अभी निकाह भी तो करना है, मैं और अपनी बच्ची को पाल पोस के बड़ा भी करना है। बच्ची? हाँ, बच्ची, तुम्हारी और मेरी बेटी अलास्मी। आप कुछ ज्यादा ही तेज नहीं भाग रहे अनी साहब? अब मैं हुई ऐसा हवा सा। मेरे बारे में पूछ रही हो ना? तुम ख्यालों में भी इतनी बातें करते हो काले चोर? हम जानते हैं तुम सच में नहीं हो। कि तुम नक्षड़ी, ये तुम क्या कर रही हो काले चोर? क्या तुम सच में? हमें लगा हम ख्वाब देख रहे हैं। सुबह के ख्वाब अक्सर सच होते हैं। ख्वाब सच होते हैं ये हमसे बेहतर कौन समझेगा, क्योंकि हमारा सबसे हसीन ख्वाब तुम, जो सच हो चुका है। हमें खुदा से और कुछ नहीं चाहिए।